भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश युवा प्रतिष्ठान व आरम फाउंडेशन की तरफ से आयोजित ओआर आर्म क्रिकेट कांदिवली चष का आज फाइनल मैच हुआ। कार्यक्रम के आयोजक भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश सचिव व एडवोकेट अखिलेश चौबे थे। मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री व भाजपा उपाध्यक्ष कृपा शंकर सिंह, सांसद गोपाल शेट्टी, अभिनेता दयाशंकर पांडे, उद्योगपति सुनील शेट्टी, उद्योगपति राहुल तिवारी उपस्थित थे। सभी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दिया। तो क्रिकेट की जो मैच हुई है शानदार होनी है, और आज मकर संक्रांति है, भगवान सूर्य उत्तरायण की तरफ प्रवेश कर गए हैं, बड़ा अच्छा दिन है। और आज तिल गुड़ खा रहे हैं लोग, अलग अलग ढंग से बना रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। उसी ढंग से मैंने देखा एक बैट्समैन जिसका नाम अशरफ है, वो लगा कि उसके बाद पतंग की डोर नहीं थी, पतंग भी नहीं थी, लेकिन उसने बॉल को पतंग समझा और अपने बैट को डोर समझ करके इतना तेज मारा कि पतंग की तरह उड़ गया, पता ही नहीं चला। तो मैं सारे उन जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको बधाई देता हूं, आयोजक अखिलेश चौबे जी और उनके सभी साथियों को। और एक माहौल देखिए कि राहुल तिवारी यहां नहीं थे, हम अक्सर देखते, चाहे अमित मिश्रा हों, विजय त्रिपाठी हों, आलोक जी हों, ये रमना हों, संदीप पांडे हों, ये ग्रुप जो है क्रिकेट का इतना प्रेमी है कि मिलजुल के कुछ ना कुछ करा करते हैं और कंपटीशन भी अच्छा खेलते हैं। अभी राहुल की तैयारी चल रही है, अगली बार राहुल जीतेंगे ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि ये टीम बड़े छक्कन पड़ गई, कह रही थी कि अरे यार वो बहुत राहुल तिवारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोगों को भी करना चाहिए। ये मैं बैठे बैठे सुन रहा था, दयाशंकर पांडे जिनको आप देखते हैं कि चित्रपट के माध्यम से और अपने कई कार्यक्रमों के माध्यम से, वो एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने खुशियाँ बांटने का काम किया है, चाहे उसके पाए, और जो इस पूरे टीम की जो उनको कहते हैं वजीरे खजाना कहते हैं उसे, जो पैसे जहाँ से आते हैं वो हमारी सबकी, हमारी वो बिटिया लगती है वो एडवोकेट वेदिका चौबे, वो भी देखा मैंने, उसकी भी टीम उसने कर लाई थी, लेकिन इन लोगों का सपोर्ट कुछ कम मिला, अगली बार उसका सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, उसकी टीम भी विजेता बनी गई, ऐसा कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मिला जुला के और आप लोगों के माध्यम से हम मकर संक्रांति शुभेच्छा देते हैं, आपको देते हैं, आपके दर्शक देते हैं। अखिलेश जी को बहुत बहुत बधाई इस प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए, और यहाँ पे जो यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है क्रिकेट के माध्यम से, ये बहुत अच्छी मेरे ख्याल से पहल एडवोकेट अखिलेश चौबे जी ने की है, उनकी टीम ने की है, तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहिए, उनकी पूरी टीम को, कि ऐसे ऑर्गेनाइज और शायद और मैचेस होने वाले, तो उसके लिए अग्रिम बधाई उनको मैं अभी से देना चाहता हूँ। मैं अखिलेश जी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मुंबई शहर में एक तो जगह की कमी है और क्रिकेट खेलना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, तो अखिलेश जी को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने इतने लोगों को एकत्रित किया और उनका मैच, क्योंकि एक बहुत स्ट्रेस लेवल है मुंबई में, और क्रिकेट एक गेम ऐसा है, मैं भी खेलता था क्रिकेट और अभी भी खेलता हूँ, क्रिकेट खेलने के बाद एक मैच हम दिल से खेल लेते हैं तो काफ़ी स्ट्रेस दूर होता है, तो कई बच्चों का स्ट्रेस एक उत्साह एक होता है और अगले मैच और अगले टूर्नामेंट के लिए वो तैयारी में रहते हैं, और अखिलेश जी ने बहुत अच्छी तरह यंगस्टर की भावनाओं को समझ कर ये टूर्नामेंट रखा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और भगवान करे इसी तरह वो आने वाले वर्षों में रखते रहें और लोग ऐसे पार्टिसिपेट करें। ऐसा खेल है जिसको 11-11 बच्चे खेलते हैं दोनों तरफ से, और इन 11 बच्चों में आप देखेंगे तो स्लम में रहने वाले भी होते हैं, बिल्डिंग में रहने वाले भी होते हैं, चाली में रहने वाले भी होते हैं, बट वो एक ऐसी ऐसी टीम भावना के साथ खेलते हैं कि उसमें जो छक्का मारता है वही स्टार होता है, वो कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, क्या करता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो गरीब तबके के भी बच्चे हैं उनको एक अच्छा माहौल देना, उनको भी ऐसा लगे कि हम एक बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, कोई से जैसी घनी बस्ती है यहाँ पे जहाँ तकरीबन 2 लाख लोग रहते हैं, इसमें से कम से कम 4 से 5 टीमों ने खेला, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस तरह से 50-60 बच्चों को हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर प्रोफेशनल क्रिकेटर के साथ तरह उन्होंने खेल गेम को खेला। हम लोग जब खेलते थे तो हमको ये सुविधाएँ नहीं मिलती थी, आज उन्हीं की भरपाई करने की कोशिश मैं करता हूँ,
जिससे कि एक अच्छा आयोजन हो और बच्चों को ऐसा लगे कि वो एक प्रोफेशनल गेम खेल रहे हैं। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एडवोकेट अखिलेश चौबे जी द्वारा आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आकर बड़ी खुशी हुई। कुल मिलकर 16 टीम ने इसमें भाग लिया और बड़े पैमाने पर बच्चों ने अपना जो भी कला कौशल है वो दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया और पूरे ठाकुर कॉम्प्लेक्स के रहने वाले नागरिकों को एक अच्छा मनोरंजन का साधन यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया कंसेप्ट को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे और पूरे देश भर में क्रिकेट हो, कबड्डी हो या अन्य अन्य खेलों में बच्चे अपने आप को जोड़ रहे। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ओलंपिक में भारत देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, भारत देश के बच्चे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और अपने देश का नाम गौरव करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।